Hello, in this video lecture we are going to see the basic introduction of security in ad hoc wireless network. किसी भी नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ad hoc wireless network जहाँ पे कि कोई फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज नोड नहीं है जो सब पैकेट्स को मॉनिटर करें, तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है. So, we will see various network security requirements, issues and challenges in security provisioning in ad hoc wireless network. So, सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा, ad hoc wireless network are highly vulnerable to security attacks. अब किसी भी network security की कुछ requirements हैं, basically ये चार requirement होती हैं, जिसको हम बोलते हैं confidentiality, integrity, availability and non-repudiation. Confidentiality का मतलब होता है, सेंडर ने जो भेजा है रिसीवर को मिले, किसी और को जो बीच में है उसको वो ना मिले. बेसिकली इट मींस द डाटा सेंट बाय द सेंडर मस्ट बी रीडेबल ओनली टू द रिसीवर. मतलब अगर एक सोर्स नोड है या सेंडर है एस और वो कुछ डेटा भेज रहा है रिसीवर आर को, तो सिर्फ और सिर्फ आर इस मैसेज को पढ़ सके, तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. अगर कोई हैकर बीच में बैठा भी है, अगर कोई हैकर लेट अस से एच नोड बीच में बैठी भी है और वो इस मैसेज को देख भी रही है, तब भी उसको उसका जो मैसेज है वो पढ़ ना पाए, इस तरह से होना चाहिए. बेसिकली जितना भी इंक्रिप्शन होता है, डाटा को इंक्रिप्ट करना, डेट इज़ फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, देन द सेकेंड इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है डाटा सेंट बाय द सोर्स नोड शुड रीच द डेस्टिनेशन नोड As it was sent, unaltered, unchanged. मतलब अगर S ने भेजा था मैसेज में हेलो, तो रिसीवर को भी क्या मिलना चाहिए, हेलो. अब अटैक्स क्या होते हैं कि जो हैकर है बीच में लेट अस से एच, वो हो सकता है कि इसको हेलो को चेंज कर दे हाई में. तो अगर इसको मिलता है हाई, देन दैट इज रॉन्ग. That is violating the concept of integrity. So integrity में आप लिख सकते हो data should not be changed. ठीक है, then availability मतलब है network should remain operational all the time. ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर चला फिर बंद हो गया, तो वो सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है. ठीक है, देन नॉन रेप्यूटेशन. नाउ इट इज़ अ मैकेनिज्म टू गारंटी दैट द सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट लेटर डिनाई हैविंग सेंड द मैसेज. मतलब अगर एस ने कोई मैसेज भेजा था एम लेट अस से टू रिसीवर आर, और आर को भी ये मैसेज मिल गया, तो बाद में ये एस ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने नहीं भेजा. वो नॉन रेप्यूटेशन होती है, एंड इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू द फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस, बिकॉज दिस यू कैन रीड फ्रॉम माई वीडियोज ऑन कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी ऑल्सो, जहां पे मैंने इनको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, availability and non-repudiation, ये चार नेटवर्क की requirements हैं, किसी भी नेटवर्क में होती हैं, और सेम ये ad hoc wireless network के केस में भी हैं. अब issues और challenges क्या है इन security provisioning in the case of ad hoc wireless network. So जितने issues अभी तक हमने देखे थे कि MAC layer के design पे थे, transport layer के design पे थे, routing में थे, वही सारे issues और challenges security provisioning में भी हैं. सबसे पहली चीज़ तो shared broadcast channel use होता है इसमें. अब जहाँ पे भी आप शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है. अब देखो चैलेंज क्या है, जब आप वायर्ड नेटवर्क की बात करते हो तो दो नोड के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन होती है, तो जो भी मैसेज आप इस पर ट्रांसफ़र कर रहे हो. अब यहाँ पर क्या है, शेयर्ड चैनल है, यानी इस चैनल के ऊपर दुनिया भर की ट्रांसमिशन हो रही है पहली बात तो, और ये भी ब्रॉडकास्ट है कि ये जो मैसेज यहाँ पर गया वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया कोई भी पढ़ लो. So that is a issue and challenge.
देन सेकेंड इज इनसिक्योर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट. कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एडॉग नेटवर्क्स हैं, उन सिचुएशंस में बनाए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो बैटल फील्ड्स के अंदर बनाए जाते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है और हैकर्स और अटैकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं. देन द थर्ड इज़ लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. ये तो देखो एडॉग वायरलेस नेटवर्क का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर कुछ भी आ जाए क्वेश्चन वहाँ पे ये तो होना ही होना है. सो लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो पैकेट्स के इनकमिंग और आउटगोइंग को मॉनिटर कर सके. सो मॉनिटरिंग नहीं है बेसिकली ट्रैफिक की, जिसके कारण यहाँ पे अटैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है. देन लैक ऑफ एसोसिएशन. अब देखो इसमें क्या है कि सपोज हमारे पास ये नेटवर्क था, ये नोड, ये नोड, ये नोड, इन्होंने आपस में एक ट्रस्टेड नेटवर्क बना लिया. अब क्या हुआ कि ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ द नोड्स डायनेमिक नेचर, ये नोड यहाँ से मूव कर गई, यहाँ से यहाँ चली गई कहीं और. तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सपोज कोई और एक नोड आई, अब इस नोड से हम किस तरह से ऑथेंटिकेशन करें वो एक चैलेंज है, बिकॉज देर इज़ नो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म विच इज़ यूज्ड इन एडॉक्स नेटवर्क्स. सो ऑथेंटिकेशन नहीं होती तो नोड्स का आपस में एसोसिएशन भी नहीं होता है. देन द फिफ्थ इज लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. रिसोर्सेज में आ गया बैटरी पावर एंड बैंडविड्थ. सो अगर आपके पास रिसोर्सेज भी कम हैं तो आप सिक्योरिटी के मेजर्स भी कम ही यूज़ कर सकते हो. मतलब अगर आपके पास एक राउटर है और आप उसके अंदर इतनी सिक्योरिटी लगा देते हो कि वो पैकेट को मॉनिटर करने में ही अपनी आधी बैटरी ख़त्म कर देता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एडॉप्ट नेटवर्क्स में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन सिक्योरिटी प्रोविजनिंग ऑफ एडॉप वायरलेस नेटवर्क्स. तो बेसिकली हमने क्या देखा इसमें कि कौन कौन से सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस इश्यूज़ हैं इन एडॉप वायरलेस नेटवर्क. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.